शेयर ब्रेकिंग, बुलंदशहर जिला पंचायत चुनाव में वार्ड पांच से सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने किया नामांकन। सियाना हिंसा के आरोपी योगेश राज ने अपनी जीत को बताया सुनिश्चित। कासियाना हिंसा के बाद जिन लोगों ने जेल से निकाला वही लोग अब जिताएंगे। जेल से जमानत पर है सियाना हिंसा का मुख्य आरोपी है योगेश राज। 3 दिसंबर 2018 को सियाना हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार व एक युवक की गोली लगने से हुई थी मौत। चिंगारा भट्टी पुलिस चौकी बलवैयों ने दी थी फूक। क्या नाम है सर आपका? योगेश राज। अच्छा, कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत बुलंदशहर। तो आज यहाँ पहुँचे हैं कलेक्ट्रेट में, जी जी। किस मंशा के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या प्रक्रिया? नामांकन का प्रथम दिन है तो मुझे अपना नामांकन करने प्रथम दिन के लिए आना हुआ है। जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 से नामांकन करना। अच्छा, जीत कितनी सुनिश्चित मानना है? तो इस बार और समाज जानता है, मैं तो हर प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ता है और समाज के सब लोग साथ में, समाज ये तय करेगा किस प्रकार से। फिर भी समाज की तरफ से जो आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं, जेल से निकालने वाला समाज है, लड़ाने वाला समाज है, तो निश्चित है कि विजयी हो पाएंगे और भारी मतों से भी है। ऑनलाइन भारत के लिए संवाददाता अमन सागर बुलंदशहर से रिपोर्ट। फरुखाबाद ब्रेकिंग, राम गंगा में तैरता मिला युवक का शव। युवक 2 दिन से था गायब। 2 दिन पहले लोगों ने युवक को गंगा में देखा था नहाते। युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना राजापुर क्षेत्र के देवरी के पास का मामला। बांदा अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नामांकन स्थलों का किया जा रहा है निरीक्षण। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बांदा जनपद के बेबरू तहसील क्षेत्र का है, जहां पर बेबरू तहसील क्षेत्र में विकासखंड बेबरू एवं विकासखंड कामसीन ने उप जिला अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी सियाराम व थाना प्रभारियों के द्वारा बनाए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन स्थलों का किया जा रहा है निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी के द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखने व मास्क लगाए रखने आदि नियमों का हर हाल में पालन करने के लिए लोगों को दिए जा रहे हैं निर्देश। वहीं उप जिला अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि 2 दिवसीय नामांकन के दौरान किया जा रहा है, जिनमें अंतिम दिवस के रूप में किया जा रहा है और लोगों को कोविड के बारे में बताया जा रहा है कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें और हर कीमत पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सर जी, नामांकन विषय भी आप क्या कह देना चाहेंगे? आज नामांकन का 2रा दिन है। कमाशन ब्लॉक में 8 नए पंचायतों का चल रहा है और कल काफ़ी लोगों ने नामांकन किया था, आज भी लोग आ रहे हैं। प्रधान पद के लिए, सदस्य पद के लिए, बीडीसी के लिए नामांकन के लिए पर्चे भरे जा रहे हैं और इसी तरह से नामांकन कार्यक्रम चल रहा है। ऑनलाइन भारत के लिए ललित कुमार की रिपोर्ट, बांदा उत्तर प्रदेश से।